कि हम इसको जो है कितनी ऊपर तक ले जा सकते हैं। अब आप देख सकते हो, खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी बंदा वहां से चल के आएगा तो एक फेक ड्रोन शॉट के जैसा लगेगा। देख, ये मेरे सामने का फोटो वीडियो बन रही है और ये मेरे ऊपर नहीं आ रहा है मेरे चैनल पर। जो मैंने गलती करती है वो गलती वो आपको नहीं करने दूंगा मैं। ये गलती जो मैंने गलती करी है उसी की वजह से आज मेरा चैनल बर्बाद है। मोनिटाइज होते हुए भी ना मैं पैसे कमा पा रहा हूँ, ना मैं व्यूज कमा पा रहा हूँ, ना मैं लाइक कमा पा रहा हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए व्लॉग पर। और आप देख रहे हैं हमारा व्लॉग। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था पिछले व्लॉग में कि मैं आपको एक सेल्फी स्टिक लाया हूँ, वो दिखाऊंगा। और भाई वो ट्राइपॉड का भी काम करती है, सेल्फी स्टिक का भी काम करती है। आराम से एक जगह रख सकते हो उसको, और उसके अंदर रिमोट भी है, और उसमें भाई आप रात में भी वीडियो बना सकते हो। उसमें ये भी खासियत है, ये भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना हमारे इस व्लॉग को, क्योंकि यार आप है ना हर बार हमको स्किप कर देते हैं। और पहली बात, व्लॉग देखते ही नहीं है, ठीक है, स्किप की तो छोड़ो यार, व्लॉग ही नहीं देखते हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगा, तो करते हैं हम अपना व्लॉग स्टार्ट। और आगे जाने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। क्योंकि कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, जितने भी सब्सक्राइबर है सब डमी हो चुके हैं, एक भी व्यूज नहीं आता है, पता नहीं यार समझ में नहीं आता है। और इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि व्यूज क्यों नहीं आ रहा है मेरे चैनल पर। जो मैंने गलती करती है वो गलती वो आपको नहीं करने दूंगा मैं। ये गलती जो मैंने गलती करी है उसी की वजह से आज मेरा चैनल बर्बाद है। मोनिटाइज होते हुए भी ना मैं पैसे कमा पा रहा हूँ, ना मैं व्यूज कमा पा रहा हूँ, ना मैं लाइक कमा पा रहा हूँ। और वो गलती मैंने की है, मुझको उसका ज्ञान है कि हाँ भाई मैंने वो गलती की है, तो वो आपको भी नहीं करनी है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपना ट्राइपॉड। तो चलो करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो गाइज ये है वो ट्राइपॉड जिसको मैं दिखा रहा था आपको, ये मैं लाया हूँ। ये देखो गाइज, ये है वो ट्राइपॉड, इसमें चाइनीज में लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ ये कैसा लगेगा। और मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि यार मैंने आपसे वादा किया था, आपसे वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं आ चुका हूँ ये अनबॉक्सिंग ब्लॉग लेकर। तो चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। और ये भाई ये मैंने अपने यही मार्केट से खरीदा है, चोर मार्केट से। वैसे चोर मार्केट कहते हैं लेकिन सामान सारा नया मिलता है वहाँ पर। और तो इसकी जो कॉस्ट पड़ी है मुझे ऐसी 300 रुपये के करीब पड़ी है। 10-20 रुपये कहने से उनने कम कर दिए थे, लेकिन ये 280 रुपये कुछ का पड़ा है। लेकिन बहुत मज़ेदार चीज़ पड़ी है मेरे को, और अच्छा भी लगा इसको ला के, क्योंकि इससे है ना व्लॉग बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। और ये जो आप माइक देख रहे हैं K8 वायरलेस माइक, इसी से मैं बात कर रहा हूँ यार। मुझे लगाना भी नहीं आता है, बस मैंने लगा दिया है कि आवाज़ पर जाएगी, इसलिए मैंने लगा दिया है। लग नहीं रहा था ये ढंग से, ये कॉलर वॉलर में ऐसे लगाने का तो काम आता है। मैंने टी शर्ट पहन रखी है तो इसमें ऐसे ही टांग दिया मैंने भाई, कि मेरे को यार आवाज़ से मतलब है आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, चाहे कैसे भी टंगा हो। हाथ में मैंने पकड़ा नहीं है, क्यों फिर खुर खुर की आवाज़ करता है ये, और आप बता भी देना कि आवाज़ कैसी आ रही है आपको, ठीक है। तो करते हैं हम अपना अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो भाई ये कुछ इस तरफ का डिब्बा है, और इस पर सेल्फी स्टिक R50 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भाई पिंक कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर और डार्क ग्रीन कलर में आता है, और स्टेनलेस स्टील है ये, ABS स्टेनलेस स्टील। तो हम करते हैं भाई, भाई की खोल तो चुका ही था मैं इसको, तो मैं बाकी दिखा देता हूँ आपको। तो ये पन्नी के अंदर आया है, डब्बा मैंने फेंक दिया, और इसको खोलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये सेल्फी स्टिक है, और ये देख सकते हैं आप इस टाइप का है कुछ ये। और भाई ये ऐसे खुलता है, ऐसे खोला जाता है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं आपसे बोल रहा था कि इसमें रात में भी वीडियो बना सकते हैं हम अपनी। तो ये यहाँ पर इसके लाइट दी गई है, इस लाइट को जला सकते हैं, और इसको हम ढीला टाइट वगैरह कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मोबाइल लगाने का है, इसमें हम मोबाइल लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो रेड टी शर्ट पहनने का फायदा हो गया कि आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी। तो इसमें अब मैं अपना मोबाइल लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। और भाई इसके अंदर एक ये रिमोट भी दे रखा है, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के, और हम दूर से ही फोटो वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक ये स्टैंड है, ये रहा, इसको हम आराम से नीचे भी रख सकते हैं अपना फोन लगाकर। मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे रखा जाता है, फिलहाल अभी आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे काम करें। इसको भाई मैंने ऐसे लगाया है इसके अंदर, ये देख सकते हो आप, ये ऐसे है, ऐसे है ये, इसके अंदर यूं लगाया है, और इसको ऊपर कर दिया मैंने, और ये इसको नीचे कर दिया। तो ये देख लो आप कैसे लगा है, इसको हम यूं मोड़ सकते हैं, ऐसे वीडियो बना सकते हैं आराम से, ठीक है। यूं बना सकते हैं हम इसमें वीडियो, आप देख सकते हैं
तो ये है, और भाई ये खुल भी जाता है, इसको हम इतना खोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे वीडियो वगैरह बन जाएगी आराम से। तो यहाँ से बहुत ऊपर तक फोन चला जाएगा, तो हम है ना फेक ड्रोन शॉट भी ले सकते हैं इससे, एक फेक ड्रोन शॉट भी ले सकते हैं आराम से। इसको ऐसा कर देंगे हम, और ऐसे करेंगे तो आराम से बहुत दूर तक का फेक ड्रोन शॉट ले देंगे, ठीक है। और बाकी मैं आपको इसका शॉट लेके दिखा दूंगा ड्रोन का, कि कैसे फेक ड्रोन शॉट कैसे लिया जाएगा इससे, वो दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। और मैं इसकी वैसे सामने से भी दिखा दूंगा कि कैसे वीडियो बनती है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। और भाई नाइट में अगर आपको वीडियो बनानी है तो यहाँ पर ये लाइट दी गई है इसमें, पहले मैं इसके ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर ये लाइट दी गई है, और इस लाइट के पीछे एक बटन दिया गया है, इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो भाई यहाँ पर लाइट जल गई है। एक बार और प्रेस करेंगे तो और तेज हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर कितनी निखार आ गया है इसको लगाते के साथ में, और कैसे हम रात में भी आराम से। अब देखना ये देखो कैसा आ रहा है मेरा चेहरा, कैसा आ रहा है, और ये इसको लगाकर देखो कैसे आ रहा है। तो मेरे को रात को भी आराम से दिख जाएगा वीडियो बना के, कि कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है। डेमो के लिए मैं आपको अभी अंधेरे में इसकी वीडियो बना के दिखा दूंगा कैसी बनती है, और फिर आप समझ जाना कि कैसे ये काम करता है। और ये इसका रिमोट है, रिमोट को हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, ये रहा इसका रिमोट, इसको निकाल सकते हैं, और इसको हम स्टैंड पर लगाकर एक जगह पर, और दूर से ही जाकर बटन दबा के काम कर सकते हैं। तो चलो यार करते हैं हम इसका काम शुरू, तो कहूँ और अब मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि कैसी बनती है इसकी वीडियो। तो आप देख सकते हो कि रात में भी भाई सही आ रही है, इसमें इतनी नहीं आ रही है, पर अभी ये डाउन है इसलिए ये बंद हो गई है, क्योंकि ये डाउन थी, ये रही। तो हम आराम से जो है रात में भी वीडियो बना सकते हैं अपनी। तो भाई अब मैंने फोन पकड़ा हुआ है हाथ में, तो आप देख सकते हो कि कितनी दूर तक की इसमें वाइड एंगल आ रहा है। तो कम वाइड एंगल आ रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, कम वाइड एंगल आ रहा है, ठीक है। और अब जो है मैं इसको हाथ में ट्राइपॉड में लगाता हूं, और फिर दिखाता हूं आपको कि वाइड एंगल कितना आएगा इससे। तो भाई आप देख सकते हो कि वाइड एंगल कितना आ रहा है, कि अब सारी की सारी चीज पीछे की दिखाई दे रही है हमको, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से, ठीक है ना। देख सकते हो आप, तो बहुत दूर तक का दिख रहा है इसमें यहाँ से। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फेक ड्रोन शॉट कैसे निकाल सकते हैं हम इससे। तो अब देख सकते हो आप कि मैंने जो है नीचे कर रखा है फोन, और मैं थोड़ा सा देखो यहाँ से करता हुआ चलता हूँ, और आप देख सकते हो कि हम इसको जो है कितनी ऊपर तक ले जा सकते हैं। अब आप देख सकते हो, खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी बंदा वहां से चल के आएगा तो एक फेक ड्रोन शॉट के जैसा लगेगा। देख ये मेरे सामने का फोटो वीडियो बन रही है, और ये मेरे ऊपर करने के बाद वीडियो बन रही है। तो आप ऐसे ही इसमें वीडियो बना सकते हैं। और भाई अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने नीचे रख दिया है स्टैंड पर, और जैसे आप कहीं भी खड़े हो अकेले हो तो आराम से ऐसे वीडियो बना सकते हैं। ये मोबाइल रुक जाएगा आराम से, कहीं नहीं जाएगा ना ही गिरेगा, बिल्कुल बढ़िया वीडियो बनाएगा आपकी दूर से खड़े होकर। और इसको हम जो है ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इसको खड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं इसका छोटा सा स्क्रीन सिनेमेटिक शूट, और फिर आपसे मिलता हूँ मैं ब्लॉग के अंदर। और जैसे कि गाइस आपने देखा कि ये सिनेमेटिक शॉट आपने देखा, आपको कैसा लगा बताना, मैं बिल्कुल भी ना भूलना। और ये ट्राइपॉड आपको कैसा लगा, सेल्फी स्टिक, इसका भी बताना बिल्कुल भी ना भूलना। और मेरे भाई कहने से ये सेल्फी स्टिक आप सभी को लेनी चाहिए, इतनी महंगी भी नहीं है, और आप देख सकते हो कि मैं कहाँ से कहाँ तक का भी लोग बना रहा हूँ, इसमें मस्त बन रहा है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, और वो भी कम पैसों में है, और आप सभी को लेना चाहिए। महंगी महंगी चीज़ों के पीछे मत भगो, अभी पहले ये छोटी छोटी चीज़ें लो और इनसे ग्रो करो, और फिर अच्छी अच्छी चीज़ लो भाई। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो, और भी हमारी अनबॉक्सिंग की वीडियो ब्लॉग आ गया होगा तो उनको भी देख लेना आप, क्योंकि मैंने पीछे भी कुछ माइक वगैरह और कुछ रिंग लाइट वगैरह मैं लाया था, वो भी मैंने अभी माइक तो मैंने अनबॉक्स कर दिया था लेकिन रिंग लाइट नहीं की थी, बाकी दिखा दी थी मैंने आपको मेरे पिछले ब्लॉग में जाकर। आप देख सकते हो मेरे स्टूडियो का सेटअप पूरा अच्छी तरह से, अगर आप मुझसे कॉमेंट करेंगे तो मैं दोबारा से आपको एक स्पेशल स्टूडियो की वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, और कैसे कैसे कितने कितने रुपए के मैं लाया हूँ, और कैसे कैसे मैंने वो मैनेज कर रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको कैसी लगी हमें बतानी बिल्कुल भी ना भूलना, और ऐसे ही आपको भी लोग आते रहेंगे डेली 8:30 बजे जो मैंने बोला था आपसे। और ये सेल्फी स्टिक आप सभी को लेनी चाहिए, देख सकते हो आप कि इससे कितनी शानदार वीडियो बन गई है, आप कैसी भी भाई साहब बना सकते हो इससे वीडियो, बहुत बढ़िया ही बनेगी, ठीक है ना। तो यार मिलते हैं आपसे फिर एक और नए व्लॉग पर, ये था हमारा
सेल्फी स्टिक अनबॉक्सिंग का व्लॉग और फिल्म मिलते हैं आपसे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं यार भाई, सपोर्ट वपोर्ट कोई करता ही नहीं है, देख रहे हो हालत कैसी हो गई है, बिल्कुल ही बेकार हो गई यार। चलो तो कोई बात नहीं यार, बाय बाय।